हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले के टू पार्ट्स में हम लोग कवर कर चुके हैं द कॉप एंड द एंथम, जिसे राइट कराया ओ हेनरी ने, इसके टू पार्ट्स। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं इसके थर्ड एंड लास्ट पार्ट की। सोपी नाम का एक व्यक्ति है जो चाहता है प्रिजन, जो चाहता ये है कि उसे जेल हो जाए, जिससे उसके रहने खाने का इंतजाम हो जाए। वही चाहता है कि ब्लैक बेल्स आइलैंड है वहाँ पर न्यूयॉर्क में, वहाँ पर उसे 3 मंथ्स की प्रिजन हो जाए, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, वो सर्दी अपनी कैसे काटेगा। वो 3 ट्रिक्स अपना चुका है, लेकिन ये तीनों ट्रिक्स फेल हो गई हैं। तो अब वो क्या सोचता है, वो जब उसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया जाता है तो वो अपने कपड़े झाड़ता है और खड़ा हो जाता है। वहाँ पर ये देखता है कि बहुत सारे थिएटर्स हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, और वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी, कॉप भी खड़े हुए हैं। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, इस तरीके का साउंड निकालता है जैसे लोगों को ये लगे कि उसने ड्रिंक किया है। और जब ये देखेंगे लोग, कॉप देखेगा कि इसने ड्रिंक किया है, तो उसे हो जाएगी प्रिजन। लेकिन फिर क्या होता है कि कॉप आपस में बात करने लगते हैं, कहते हैं कि आज हमें ऑर्डर्स हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स को किसी को भी पकड़ा ना जाए। तो उसकी ये भी ट्रिक हो जाती है फेल। फिर वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। वो ये देखता है कि पास की शॉप पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके पास है एक अम्ब्रेला, छाता। तो जल्दी से उस शॉप में पहुँचता है और उसके छाते अम्ब्रेला को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो व्यक्ति उस सोपी को पकड़ लेता है और ये कहता है कि ये अम्ब्रेला तो मेरा है। तभी दोनों लोगों की आपस में बहस होने लगती है, तो कॉप जो पास में खड़ा हुआ था वो आ जाता है उनके पास में। जब दोनों लोग बहस करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, तो जो जिसका छाता था तो वो ये कहता है कि ये छाता क्या आपका है? ठीक है, अगर आपका है तो आप इसे रख लीजिए, मैं जब ये आज सुबह एक रेस्टोरेंट में गया था तो वहाँ पर मुझे ये छाता अम्ब्रेला मिला था, हो सकता है आपका ही हो, ठीक है आप इस अम्ब्रेला को रख लीजिए। अब सेकेंड ट्रिक भी हो जाती है इसकी फेल। तो ये वॉक करने लगता है, थोड़ी दूर आगे जाता है और उस अम्ब्रेला को फेंक देता है। वहाँ पर ये देखता है कि एक पुलिस वाला जो है, कॉप जो है, एक लेडी को रोड क्रॉस करा रहा है। यही सब देखते हुए आगे बढ़ता है और तभी पड़ता है एक घर। और बच्चों, ये घर किसका था? ये घर था सोपी का। सोपी बचपन में इस घर में रहा करता था अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ में। कितने अच्छे से इसकी मदर इसकी टेक केयर करती थी। और ये मन में ही सोच रहा है कि ये अब कितना गिर चुका है। उस घर से अच्छा सा साउंड आ रहा था और ये सोचता है कि मैं कितना गिर चुका हूँ, मैं इस कंडीशन में आ चुका हूँ कि मैं कुछ करता नहीं हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे प्रिजन हो जाए। यही सब बातें सोचते हुए ये विचार करता है कि अब मैं कल से अच्छा बनूंगा। और एक व्यक्ति था जिसने इसे ऑफर किया था कुछ दिन पहले एक जॉब, लेकिन इसने जॉब नहीं करा था। इसकी तो आदतें खराब पड़ चुकी थी, ये बस इधर उधर वंडरिंग करता था, घूमता था, जहाँ जगह मिलती थी वहाँ पर सो जाता था, जो मिलता था उसे खा लेता था। यही सब बातें सोचकर उसी पार्क में पहुँचता है, उसी बेंच पे जो उसका घर था वहीं पर ये बच्चों सो जाया करता था। तो ये सोचता है कि नेक्स्ट डे यानी टुमारो से ये अच्छी से जॉब ढूंढेगा। एक व्यक्ति ने जिसे इसे जॉब ऑफर किया था उसे ये ढूंढेगा और उससे कहेगा कि मैं सुधर चुका हूँ और मुझे जॉब चाहिए, मैं अच्छे से रहूँगा, एक घर खरीदूँगा। यही सब सोचते हुए वो सोचता है कि नेक्स्ट डे जरूरी मैं कल से अच्छे काम करूंगा। तभी पार्क में आ जाता है एक पुलिसमैन, एक कॉप, और इसके कंधे पे हाथ रख के रखता है। तभी पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि सामने खड़ा हुआ है एक कॉप। तो कॉप इससे कहता है कि आप इस टाइम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आपस में दोनों में बहस होने लगती है। और चूंकि सोपी अब सुधर चुका था, इसलिए इसके मन में एक पावर आ गई थी, इच्छा शक्ति जागृत हो गई थी। तो पुलिस वाले से, कॉप से ये बहस करने लगता है। तो कॉप कहता है कि इट इज़ नॉट गुड कि आप मुझसे बहस करें। कॉप असल में एक्चुअली ये सोचता ही है कि ये किसी चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ पर अकेला इतनी रात में खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से ये थीफ है, 100% ये थीफ है। ये सोचकर दोनों लोग आपस में आर्गुमेंट करने लगते हैं। तो कॉप को गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़ कर ले जाता है जेल। नेक्स्ट डे इसे कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जज इसे सुना देते हैं 3 मंथ्स की प्रिजन। कहाँ पर? ब्लैक वेल्स आइलैंड में। और आखिरकार इसकी विश हो जाती है पूरी। तो बच्चों, ये ओ हेनरी की स्टोरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी कभी हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हो जाता है इसका उल्टा। जब ये प्रिजन जा रहा था तब इसे प्रिजन नहीं मिली, और जब ये सोचता है अच्छा बनने का, अच्छा इंसान बनने का, तब हो जाती है इसे प्रिजन। बच्चों, ओ हेनरी ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। और हमेशा की तरह मैं फिर से आपसे ये कहूँगा, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।